चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत बड़ी मशहूर है। ये एक मुहावरा आज दो दो कहानियों पर एकदम सटीक सेट हो रहा है। एक कहानी में है ये दोनों, यानी कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरी कहानी में एक तरफ है मोदी सरकार और दूसरी तरफ है इस देश की जनता। सवाल ये है कि क्या आज की मोदी सरकार राहुल गांधी से भयंकर रूप से डर गई है? राहुल गांधी का सामना ना करना पड़े, उनके सवालों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तमाम तरीके के जुगाड़ अपनाए जा रहे हैं। और दूसरा जुगाड़ अपनाया जा रहा है कि अलग अलग साजिशों और प्लानिंग्स की पोल कोई खोल न दे, कोई अधिकारी, कोई पूर्व अधिकारी। ये दोनों ही मामला बड़ा गंभीर है और गंभीरता आप तभी समझ पाएंगे जब पूरी बात सुनेंगे। दूसरा वाला तो कुछ ज्यादा ही गंभीर है, एकदम टकटकी लगा कर देखिएगा खेल कितने बड़े स्तर पर और कितनी दूरदर्शिता के साथ खेला जा रहा है। पिछले कई महीने से आप लगातार देख रहे होंगे कि अच्छे खासे खेलते कूदते नाचते हुए लोग अचानक गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये सवाल देश की संसद में पूछा गया था और अब इस पर जवाब दिया गया है। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, वो जो डंकवा था जो विदेशों में बज रहा था, भक्तों और गोदी मीडिया के अनुसार, एक बार फिर से बुरी तरीके से फट के छितरा गया है। जी हाँ, और आए दिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये डंकवा फट रहा है, छितरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि शुक्र शनिचर सब बहुत नाराज चल रहे हैं। और यदि आप एससी एसटी ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपके लिए इस वीडियो में एक विशेष खबर है, उसे देखिए, सुनिए, समझिए और चिंतन करिए कि भविष्य कैसे बदलेगा। मगर ध्यान रखिएगा, घृणा और नफरत नहीं पालनी है। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात होगी, बेहद कम समय में और सटीक बात होगी। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। हमारा काम पसंद आता हो तो देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने के लिए हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए मैं आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार ने सदन में बताया है कि पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ने 20 विदेश यात्राएं की हैं, जिन पर कुल मिलाकर 2,54,87,01,373 रुपया खर्च हुआ है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 20 विदेशी यात्राएं की गई हैं पिछले 5 सालों में, जिनका कुल खर्च 2,54,87,00,000 रुपए से अधिक का हुआ है। राजस्थान की सरकार ने 125 दिन की रोजगार गारंटी दी है, यानी कि प्रतिवर्ष हर एक परिवार को कम से कम 125 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी अब तक मिल रही थी, अब 25 दिन अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा राज्य सरकार की तरफ से। जबकि शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 200 से 300 रुपए प्रतिमाह जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही थी, उसकी तुलना में राजस्थान की सरकार 1000 रुपए देगी। राजस्थान की सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है। जनहित के बेहतरीन कानूनों को लागू करने में राजस्थान की सरकार अक्सर आगे नजर आती है। पिछले दिनों राजस्थान में राइट टू हेल्थ की शुरुआत की गई, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार। इस तरह की व्यवस्थाएं उन सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की सीढ़ियां हैं जिन पर चलने का सपना हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, यानी हमारे पूर्वजों ने देखा था। संसद सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल किया था कि क्या यह सच है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान सभी हाईकोर्ट में नियुक्त 79% न्यायाधीश ऊंची जातियों से थे, जो कि न्यायपालिका में पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के असमान प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि 2018 के बाद से अब तक नियुक्त किए गए 604 हाईकोर्ट जज में से 458 सामान्य वर्ग के हैं, यानी कि यदि प्रतिशत देख लिया जाए तो लगभग 75% जज जनरल कैटेगरी से नियुक्त किए गए। सरकार ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 270 और 224 के तहत की जाती है। इन नियुक्तियों में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाता। हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक और महिलाओं के उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार करके सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रही है, यानी कि सरकार यह प्रयास कर रही है कि एससी एसटी ओबीसी और महिला तथा अल्पसंख्यकों को बराबर का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में मिल सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अब जरा एक नजर इधर डाल लीजिए। बताया गया है कि 2018 के बाद से सभी हाई कोर्ट्स में नियुक्त कुल जजों में से 18 जज एससी कैटेगरी के थे, 9 जज एसटी से आते हैं, ओबीसी से हैं कुल 72 और अल्पसंख्यकों की संख्या 34 है। देश भर के हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए जजों का यह आंकड़ा चिंताजनक है, क्योंकि भारत की जनसंख्या के हिसाब से जिस वर्ग का जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, न्याय व्यवस्था के संबंध में अंतर बहुत बड़ा है। इस मामले पर सामाजिक, आर्थिक और खासकर शैक्षणिक बिंदुओं पर सोच विचार करने तथा दूरगामी व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है, ताकि सभी वर्गों का बराबर का प्रतिनिधित्व हर एक क्षेत्र में देखने को मिले। राजनीति और नेता इस मुद्दे पर अलग अलग तरीके से भटकाने या भिड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ये समस्या एक दूसरे पर आरोप गढ़ने की बजाय चिंतन करने और उचित नीतियां बनाने से दूर होंगी, और इसका हल तब निकलेगा जब सामूहिक प्रयास किया जाएगा। वहीं मणिपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी के अमेठी में युवा कांग्रेस के लोगों ने
प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की, मगर पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें रोक लिया। ऐसा लग रहा है कि पिछले कई महीनों से मोदी सरकार, खासकर देश के प्रधानमंत्री के ग्रह नक्षत्र बहुत गड़बड़ चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ठीक होने का कोई आसार भी नजर नहीं आता। और ये बात हवा हवाई नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। पिछले कई महीनों से लगातार बिन बुलाए समस्याएं आ रही हैं, एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही हैं और नई वाली पुरानी वाली से बड़ी आ रही है। कभी बीबीसी साल 2002 के दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री जारी कर देता है, कभी प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अदानी पर दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड का आरोप लग जाता है, जिस पुलवामा के नाम पर देश के प्रधानमंत्री घूम घूम के पूरे देश में वोट मांगते थे और पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर दी थी, उसी पुलवामा को लेकर अब सवालों के बीच घिर गए हैं। और बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने यहां तक आरोप लगा दिया कि यदि मोदी सरकार ने देश के जवानों को 5 जहाज दे दिया होता तो आज हमारे 40 जवान जिंदा होते। इसके साथ ही पीएम मोदी के बेहद करीबी रहे सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री के बारे में यहां तक कह दिया कि उन्हें भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई तकलीफ नहीं है, बस भ्रष्टाचार अपना आदमी करे तब ठीक है, दूसरी पार्टी वाला भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, और उसे करना भी है तो बीजेपी में ज्वाइन करके करे। वैसे ये आरोप 100% सिद्ध भी है, इसमें कुछ भी आरोप कहने लायक नहीं है, इसके तमाम उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आसाम से लेकर महाराष्ट्र तक दूसरी पार्टियों में जितने भ्रष्टाचारी थे, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री जी जोर जोर से बोलकर 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, 4 दिन बाद पता चलता है कि सबको अपनी सरकार में शामिल करा लेते हैं, मंत्री बना देते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। यानी कि सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए थे वो 100% सही होते हुए सिद्ध होते हुए नजर आते हैं। इन सब के बाद जैसे तैसे सरकार अपनी लाज बचाते हुए चलने की कोशिश कर रही थी, तभी मणिपुर का मामला सामने आ गया। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं कि मणिपुर में बड़े बड़े लोग जो करना चाहते थे वही हो रहा है, इच्छाओं के विपरीत कुछ नहीं हुआ है, जो चाहते थे वही हो रहा है। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ और इतना बुरा हुआ कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। ब्रिटेन के सांसद भी उस मुद्दे पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर में मानवाधिकारों के हनन तथा धर्म के नाम पर जो अत्याचार किया जा रहा है, भारत सरकार की आलोचना हर तरफ हो रही है। पिछले कई महीनों में आप प्रधानमंत्री की विदेशी यात्राओं पर यदि गौर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस तक और अमेरिका तक हर एक यात्रा में डंका बजने से ज्यादा फूटता हुआ नजर आएगा। हाल ही में आपने देखा था कि अमेरिकी यात्रा के दौरान एक महिला पत्रकार ने खाली एक सवाल पूछ लिया और उसी सवाल ने पूरा छीछालेतर मचा दिया। लेकिन इन सारी घटनाओं के बीच देश के गोदी मीडिया ने गिरने की जो हदें पार की हैं वो अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि एक दौर ऐसा भी था जब किसी भी लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक ही सबसे बड़े भक्षक बन गए थे। याद करिए, कुछ साल पहले देश में निर्भया कांड हुआ था। हालांकि उसके पहले भी उसके बाद भी इस देश में बेटियों के साथ अत्याचार उससे जघन्य ही हुए हैं, कम नहीं हुए। हाल ही में मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ था वो भी आप सबने देखा। मगर निर्भया कांड के वक्त अच्छी बात यह थी कि उस वक्त देश का मीडिया निर्भया के साथ खड़ा था, देश की बिटिया के साथ खड़ा था। और आज चिंता की बात यह है कि देश की मीडिया को मणिपुर के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं से ज्यादा सरकार की चिंता है, मोदी सरकार की छवि की चिंता है। पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि पिछले 10 साल में यही बदला है कि निर्भया के वक्त मीडिया उसके साथ खड़ा था और आज का मीडिया सरकार के साथ खड़ा है। पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे कि डीजे पर डांस करते हुए, कहीं एक्सरसाइज करते हुए, कहीं हंसते खेलते लोग अचानक गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। सरकार से संसद में इस मामले पर सवाल किया गया था कि क्या COVID-19 महामारी के बाद देश भर में कार्डियक अरेस्ट से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि जो अचानक मौतें देखने को मिल रही हैं। आप सब ने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, खूब वीडियोस वायरल हो रही हैं। कोई व्यक्ति डांस कर रहा था, अचानक गिरा और मौत हो गई। इस पर जब सदन में सवाल किया गया तो स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया है कि COVID-19 के बाद कुछ युवाओं की अचानक मौत की सूचना मिली है, हालांकि वर्तमान में ऐसी मौतों के कारण की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं है। COVID-19 के बाद कार्डियक अरेस्ट के बढ़ते मामलों की आशंका के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अध्ययन कर रहा है। पिछले महीने ICMR ने कहा था कि COVID-19 युवाओं के दिल के दौरे पर उसके अध्ययन के नतीजे और उसके संभावित कारण जल्दी ही सार्वजनिक किए जाएंगे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलवामा का हमला सामने आया था, जिसमें देश के 40 वीर जवान शहीद हो गए। साल बीत गए, जांच के नाम पर कुछ भी सामने नहीं आया, ना कोई जवाब मिला। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि इस मामले का खुलासा कैसे होगा और कब होगा। इस पर मैंने जवाब दिया था कि आज जो बड़े बड़े अधिकारी सेवा में हैं, यानी खुफिया विभागों से लेकर सैन्य अधिकारियों तक, जो भी आज सेवा में हैं, जब ये रिटायर होंगे, कुछ बंधनों से मुक्त होंगे, तब ये लोग किताबें लिखेंगे और उन किताबों में जो दबा हुआ आज है वो कल बाहर निकलेगा। या फिर जब अन्य दलों की सरकार आएगी, कायदे से जांच करवाएगी, तो बहुत सारी चीजें बाहर निकलकर आ सकती हैं। मगर अब एक ऐसी खबर आ रही है जो ये दर्शाती है कि प्लानिंग बहुत दूर तक चल रही है। खबर है कि केंद्र सरकार IAS, IPS, IFOS पेंशन भोगियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई कर सकेगी। दवायर की खबर के अनुसार संशोधित नियमों के तहत केंद्र को गंभीर कदाचार या अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पेंशन भोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब राज्य सरकार से रेफरेंस का इंतजार नहीं करना होगा। अब खुफिया संगठन में काम कर चुके कर्मचारी के खिलाफ संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने वाली किताबें लिखने
करने पर कार्यवाही हो सकती है। यानी कि जो अधिकारी आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आने वाले समय में रिटायर होने के बाद यदि वे चाहें कि किताबों के जरिए, लेख के जरिए कोई खुलासा करें, कोई बात जनता तक पहुंचाएं, तो केंद्र सरकार राज्य के संदर्भ के बिना ही सीधे कार्यवाही कर सकती है। उनका पेंशन रोका जा सकता है, पेंशन वापसी भी कराई जा सकती है। हालांकि कहा गया है कि खुफिया जानकारी, संवेदनशील जानकारी लीक करने पर कार्रवाई होगी, मगर भला आज तक कौन सी सरकार कोई कानून बुरा बताकर लाती है? सब यही कहते हैं कि ये कानून लोक कल्याण के लिए है, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, मगर हकीकत कुछ और होती है। यूएपीए से लेकर टाडा माडा सब तो देश के भले के लिए ही आए थे, लेकिन उनका प्रयोग किस तरीके से किया गया, प्रयोग किया गया कि दुरुपयोग किया गया, ये आप सबने देखा है। ठीक वैसे ही जैसे मोदी सरकार झूठ से देश को बचाने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाती है और नए नए कानून बनाती है, खुद को ही सच जांचने और उस पर फैसला लेने का अधिकारी बना रही है, जबकि हकीकत यह है कि आज के वक्त में देश में यदि सबसे ज्यादा झूठ कोई फैलाता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका आईटी सेल और गोदी मीडिया के सैकड़ों लपड़ झंडिस। और झूठ फैलाने में देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री तक सबके सब शामिल है। याद करिए, जेपी नड्डा जी घूम घूम कर रैलियों में कहते हैं कि मोदी जी ने फोन करके रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था बच्चों को निकालने के लिए, जबकि भारत के जो छात्र वहां पर फंसे हुए थे वो किस तरह से निकल कर आए ये उन्होंने खुद ही अपनी जबान से बता दिया था। और भारत सरकार ने ही, सरकार के ही अधिकारी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच फोन करके युद्ध रुकवाने जैसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी भाजपा अध्यक्ष सरेआम इस झूठ को जहां मौका मिलता है ठेल देते हैं। और झूठ के सौदागरों की एक समस्या ये भी है कि उनसे सच बर्दाश्त नहीं होता। जो व्यक्ति सच बोलता है, आईना दिखाता है, उससे मिलो दूर रहने की कोशिश की जाती है। पिछले दिनों अदानी के मामले पर राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा आईना दिखाया कि अब राहुल गांधी की शक्ल से भी डर लगने लगा है, ऐसा महसूस होता है। और यह डर इतना तगड़ा वाला है कि पूरी प्लानिंग कर ली गई है, किसी भी तरीके से अभी जो संसद का सत्र चल रहा है इसमें राहुल गांधी संसद न पहुंचे। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो वो सदस्य ही नहीं है तो संसद पहुंचेंगे कैसे? मामला यह है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और जवाब मांगा, इस पर पुणेश मोदी 21 दिन का समय मांग रहे थे जवाब देने के लिए, जबकि राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात कोर्ट का 100 पन्नों का बड़ा वाला फैसला पड़ा हुआ है। और सत्ताधारी दल जिसके पास इतना सारा तामझाम है, पूरे देश की व्यवस्था है, वकीलों की लंबी चौड़ी फौज है, उन्हें 21 दिन चाहिए नोटिस का जवाब देने के लिए। लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि 21 दिन नोटिस का जवाब देने के लिए नहीं चाहिए था, बल्कि इसलिए चाहिए था ताकि 21 दिन बाद यदि फैसला राहुल गांधी के पक्ष में भी जाता है, उनकी सजा रद्द भी होती है, सजा कम भी होती है, तो भी वो सदन में न पहुंच पाए, कम से कम इस बार जो संसद का सत्र चल रहा है इसमें राहुल गांधी की एंट्री ना हो। आने वाले दिनों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 15 अगस्त को, ऐसे में सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उससे पहले किसी भी रूप में राहुल गांधी संसद पहुंचे और प्रधानमंत्री जी का जो आखिरी भाषण होना है लाल किले पर प्रधानमंत्री के तौर पर, उससे पहले ही किसी भी तरीके का छीछा लदर संसद में हो जाए। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि राहुल गांधी के केस का जो मेरिट है उसमें सुप्रीम कोर्ट से कम इतनी राहत तो मिल ही सकती है कि उनकी सदस्यता वापस हो जाए और वो चुनाव लड़ने के लायक हो जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लोगों की राय बता रहा हूं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो माहौल के अनुसार ऐसा समझ में आ रहा है कि डरी हुई सरकार ये सोच रही है कि कोई बात नहीं कि राहुल गांधी संसद में वापस आ जाएं, कोई बात नहीं कि वो फिर से चुनाव लड़ने लायक हो जाएं, कोई बात नहीं कि उनकी सजा रद्द हो जाए, लेकिन कम से कम इस संसद सत्र में वापसी न हो तो थोड़ी इज्जत बच जाएगी। अब देखना यह है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला निकलता है या फिर पुणेश मोदी और उनकी टीम द्वारा मामले को और ज्यादा खींचने का प्रयास किया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।